पहाड़ों के ऊपर बादल फैले हुए हैं, देख रहे हो ना? उस पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाकर खड़ा होकर आकाश को छूकर देखा जाए तो गांव एकदम छोटे छोटे दिखाई देंगे, है ना मनोज? बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम उसे छोड़ो, तुम वहां देखो, वो जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है उसे अच्छे से तोड़ फोड़ कर उस तरफ जाने के लिए 4 मीटर तक रास्ता बनाकर मॉडर्न ब्रिटेन सेफ जैसा अलग अलग हिस्सा बांट कर रखे तो बिल्डर बांध कर रखने वाली बढ़िया जगह है वो। तुम जरा मेरे करीब आ जाओ, वो जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है उसे अगर अच्छे से तोड़ा जाए तो उस जगह को हलवा पीस के जैसा अलग अलग बेच सकते हैं। लेकिन बोलने का क्या फायदा, हमारे पास उसके लिए पैसे होने चाहिए ना। हाँ, अरे वो लोग आ गए, मैं बस एक मिनट में आता हूँ। अरे भाई नमस्ते। मैं तो ठीक हूँ। कैसे हो? सब लोग ठीक हैं? बताएं। माँ, उधर देखो, उधर लेकर जाओ, उधर उधर। माँ कौन है वो लोग? बेटा, इस गोल धरती को आटे की तरह पीस कर चपाती बनाकर खा जाने वाले लोग हैं। अरे थोड़ा जोर लगा कर देखो, अरे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर देखो। हाँ ट्राई करो, काम बना तो ठीक है। पापा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोगों का काफी हुआ, चलते हैं। ये हुई ना बात, जब देखो बादल पहाड़ की बातें करती रहती हो, इसे देखने से कौन बोर नहीं होता, फोटो में देखने से पता चलता है। मैं बस एक मिनट में आता हूँ, अगर अभी निकले तो हम आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे पार्टी का दिल लगने से कहीं अच्छा काम नहीं बनता है, उसके लिए कैश होना चाहिए। तुम क्यों ऐसे मुंह बना कर बैठी हो? अरे वक्त ना रहने पर भी वक्त निकाल कर तुमको और बच्ची को घुमाया है मैंने, तब भी तुम ऐसे मुंह बना कर बैठी हो, ये बात सही नहीं है भावना। वक्त निकाल कर हमें टूर के नाम पर यहाँ लेकर आए हो, है ना? तो फिर और क्या? क्यों इस तरह नाटक दिखा रहे हो मनोज? जमीन का सौदा करने के लिए निकले तो उस काम में हमें भी साथ ले लिया, ऊपर से फैमिली ट्रिप का नाम दे रहे हो। अरे गाड़ी चलाते समय कम से कम इसको तो रेस्ट दे दो मनोज। सभी लोग टूर के नाम पर निकलते हैं तो बीवी बच्चों के साथ खुशी बिताने के लिए, और ऊपर से जब भी हम गांव में रहते हैं हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, आगे से हम इस तरह बाहर नहीं आएंगे। अरे इस वकील के कामकाज के बीच में जो टाइम नहीं मिल रहा है उस समय से भी जो टाइम निकल कर ये सब कर रहा हूँ वो तुम लोगों के लिए। कौन है? कोई तो रामेंद्रन है। लो मुझे तो। मनोज नहीं, मनोज 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 मनोज। अभी हमने जो जगह देखा वहाँ का आदमी है। हेलो, हाँ रामेंद्र, हाँ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कैश रेडी है तो कोई टेंशन नहीं है, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। कभी ना कभी वो 1.25 किलो का कस्तूरी रंगन दखल अंदाजी करेगा, वो आए उससे पहले ही हमें काम पर लग जाना चाहिए। हाँ ठीक है, कल ही एडवांस ले लो, परसों हम ऑफिस में मिलते हैं। डन, ओके बाय। अरे बस ऐसे ही उंगली दिखा के हाथ में आया हुआ काम है ये? अगर ये काम हाथ में आ गया तो कितना पैसा आएगा जानती हो? हाथ में करोड़ों रुपए आएंगे, करोड़ों। अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो जानती हो किसके लिए? अगर हमें कल कुछ हो जाएगा तो हमारी बेटी अच्छे से रहेगी उसी के लिए कर रहा हूँ बस। मनोज! हमारी बेटी। ओह शिट! हरिदाबाद के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बीते काल में केस को लड़ लड़ के अच्छा नाम कमा कर उसके बाद रिटायर्ड होकर खेती बाड़ी में अपनी बाकी जिंदगी बिता रहे श्रीधरन नायर अभी हम उन्हीं के खेतों में खड़े हैं। 30 साल तक मैंने वकालत की है, जिंदगी के हर वक्त में कोर्ट में खड़े होकर मैंने सच को झूठ बनाकर और झूठ को सच में बदल कर ऐसी जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। कोर्ट के केसों को मैंने अपने बेटे मनोज के हवाले करके मैं इस धरती पर आकर बस गया हूँ। धरती सच्चाई का अगला रूप है, अगर उसके साथ प्यार किया तो वो 10 गुना बड़ा कर देगा। मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। इन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए इन्हें और दिमाग की जरूरत है। सही बोल रही है, इसकी मदद मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर मिलती रही है। सच बोलूं तो मुझसे भी ज्यादा बात आप लोग इसके मुँह से सुनेंगे तो बेहतर रहेगा, ये बोलने में मायने। बोलो बोलो। ठीक है मैं बोलती हूँ। सुनो,
यहाँ आने से पहले जो हम बीज लगाए थे वो बड़े बड़े झाड़ों में बढ़ गए हैं। अरे तुम यहाँ आकर ऐसा वैसा बोलकर शिकायत की इसलिए कर रहे हो मुझसे? क्या कर सकता हूँ? मियाँ बीवी के बीच कुछ मसला रहा तो उसे वही सेट कर लेना चाहिए। सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, किसी को भी उसमें दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है, समझे तुम मेरी बात को? तुम्हारी माँ के साथ में भी छोटे मोटे झगड़े करते रहता था मैं, अगर ऐसे ही एक महीना गया तो फिर भी नाम के लिए एक झगड़े को खींच कर अगर उसके पिताजी को चार गालियां नहीं दी तो मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, झगड़े से हम कोई भी छुटकारा नहीं पा सकते अब। अरे बाप रे, खेती में बहुत अच्छे करेला है, उसे छीलकर आपके मुंह में डाल दूंगी जिस दिन आप मेरे पिताजी को गाली देंगे। अरे वो लोग चले गए क्या? अरे उन लोगों को हम जो बोल रहे हैं वो सुनने का समय कहाँ है? जो उनके सामने आए हैं वो उनका इंटरव्यू लेकर बाइक से निकल गए हैं। तुम एक काम करो ना, थोड़े दिन के लिए तुम इसके साथ इसके फ्लैट में जाकर ठहर जाओ। जाते वक्त तुमने बोला था ना चैम्बूर में, वो भी थोड़ा लेकर जाओ। किस लिए? अरे ये किसी काम पर नहीं जाता है तो वो लड़की तरह तरह के मसले उठाती रहती है तो इनमें झगड़ा बना ही रहता है। अगर तुम रही तो कुछ बातें बातें करके सुलझा सकती हो और मैं भी थोड़ा चैन से बिना उस टेंशन के खुशी से जी सकता हूँ। तो फिर मेरा जान तो बस वही निकल जाएगा। मामला मेरी बहू का इस वजह से नहीं बोल रही हूँ। पिछले साल जो मैं वहाँ समय बिताई थी उसे मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ। कभी कभार उस लड़की को अगर कुछ बोलो तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वो हम पे ही बोलना शुरू कर देगी। ये सब बात मैं नहीं पूछने जा रही। माँ जो बोल रही है वो सही है, है ना पिताजी? बच्चे की मौत हुई है उसका कारण मैं ही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, बस साल डेढ़ साल ही हुआ है ना, थोड़े और दिन जाने दो, उसको वक्त के साथ मिलने के लिए थोड़ा समय दो। और तुम लोगों के बीच में रहने वाला छोटा छोटा मसला, उसके लिए एक ही रास्ता बचा है, एक बच्चा। अगला बच्चा पैदा होने पर ही उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। उस रास्ते के बारे में सोचो, उस बारे में सोचो। ये सब मेरे अकेले के सोचने से नहीं होगा। बच्ची के चले जाने के बाद हम दोनों सिर्फ नाम के लिए एक साथ फ्लैट में रहते हैं। दिल और शरीर दोनों अलग ही दुनिया में रहते हैं। इससे अच्छा और कोई भी रिश्ता नहीं मिलेगा। पिताजी आपने उसे मेरे गले में डाल दिया। अरे वो बिना माँ बाप के साये में पलकर बड़ी हुई है, इसी वजह से बड़े पिताजी ने ये रिश्ता पक्का कर लिया था। अरे टाउन हॉल में हरिकोट मास्टर अकादमी में रहते भी मैनन प्रसंग संबोधन कर रहे हैं ना, ऐसा सुना तो उसमें मैनन सर के संबोधन को सुनने के लिए मैं हमेशा वहां जाता था। मेरी बहू केपी मैनन की छोटी बच्ची है, ऐसा बोलने में बहुत फक्र की बात मेरे लिए। हाँ हाँ, उसी वजह से जब वो आदमी मरा था तब उसके गाने की किताब, संबोधन की किताब, उस आदमी की सारी किताबें आपने मेरे घर भेज दी थी। अरे उसके कमरे में जाने को सोचो तो लगता है किसी ब्रिटिश लाइब्रेरी में घुस गया हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है ना मनोज। अरे चार अक्षर पढ़ने वाली उस देवी को लेकर खुश हो जाना चाहिए ना तुम्हें। उसे छोड़ो, एक साथ मिलकर खुशी से जीने के अलावा उसे छोड़कर अभी क्या परेशानी है। हेलो प्रिया, कहाँ चली गई थी तुम? अरे शाम को 6 बजे से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि तुम मुझे फोन कर सको? अरे जो काम करना है उस काम को खत्म करके शॉप में, बार में, जहाँ चाहो वहाँ चली जाओ। हेलो, नहीं तो मेरी जूनियर होने का नाम लेकर मेरे ऑफिस में मत आना। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ठीक है मैं बाहर आता हूँ, यहाँ रेंज थोड़ा कम है। हेलो प्रिया, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ